इंट्रोडक्शन टू अलजब्रा। डियर स्टूडेंट, इस लेसन में हम सीखेंगे कि अलजब्रा क्या है और अलजब्रा के बेनिफिट्स क्या हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। व्हाट इज अलजब्रा? अलजब्रा इज ऑल अबाउट पजल। जिस तरीके से हम पजल में किसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, तो अलजब्रा में भी हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि आपके पास 7 आंसर आए, तो वेरी सिंपल, यू विल से कि इन द प्लेस ऑफ नंबर, इफ नंबर की वैल्यू 4 होगी, 3 + 4 इज इक्वल टू 7। अब इसी एक्सप्रेशन, इसी इक्वेशन को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 + box इज इक्वल टू 7। तो इस बॉक्स में कौन सा नंबर लिखा जाए कि जो 3 में ऐड होके हमें 7 आंसर दे, तो इन द प्लेस ऑफ बॉक्स वी विल राइट 4। अब बॉक्स नंबर्स, अगर किसी कोई वर्ड यूज़ करना, कोई सिंबल यूज़ करना, इट इज़ हार्डर, और इसकी जगह पे हम लेटर भी लिख सकते हैं, 3 + x इज इक्वल टू 7। कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, हम इसे 3 में ऐड करें कि आपके पास 7 आए, तो आपने वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है, एंड दैट इज इक्वल टू 4। इट इज सिंपल। अब हम वर्ड क्यों यूज नहीं करते या सिंबल यूज क्यों नहीं करते? अगर आपसे पास एक से ज्यादा नंबर्स हों, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 3 नंबर्स हैं जिनको आपने ऐड करना है और उसका आंसर 7 होना चाहिए, तो आप एक नंबर के लिए रेक्टेंगल यूज़ कर लें, दूसरे नंबर के लिए रोम्बस यूज़ कर लें, तीसरे नंबर के लिए सर्कल यूज़ कर लें और उसको आप 7 लिखें। इट इज़ हार्डर टू रिमेंबर और आइडेंटिफाई करना और वर्कआउट करना, इट इज़ हार्डर। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज सिम्बल्स, we use letters x + y + z is equal to 7। तो लेटर को इस्तेमाल करना आसान होता है। अलजब्रा इज ऑल अबाउट दीज लेटर्स एंड नंबर्स। इन लेटर को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। दिस इज अ वेरिएबल, वेरिएबल x, वेरिएबल y, वेरिएबल z, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अननोन because we don't know its value, so that's why we call it unknown. The algebra is all about variables and numbers. Benefit of algebra. Dear student, is what problems hum idea karte hain, dekhte hain ki algebra ka benefit kya hai. Ye aapke samne ek maine वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है, जो तकरीबन इस पे अराउंड 40 वर्ड्स इसमें इस प्रॉब्लम में होंगे। सो योर फ्रेंड हैड अ फ्यू पेन्स विद हिम, अ बुली केम अक्रॉस, टुक अवे 7 आउट ऑफ हिज पेन्स, एंड देन ही हैड जस्ट 6 पेन रिमेनिंग विद हिम, हाउ मेनी पेन्स डिड ही हैज बिफोर बुली केम टू हिम। तो हमने ये चेक करना है कि ये फाइंड आउट करना है कि एट द बिगिनिंग आपके फ्रेंड के पास कितने पेंस थे। तो ये आपके पास एक वेरी लेंथी प्रॉब्लम है जिसको हम अलजब्रा की मदद से एक बहुत ही सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेट्स से कि आपके फ्रेंड के पास स्टार्ट में एक्स पेन थे, उन टोटल एक्स पेन में से 7 पेन बुली ले गया, और अब आपके फ्रेंड के पास 6 पेन पीछे बच गए, तो हम लिख सकते हैं कि 7x - 7 इज इक्वल टू 6। सो एक्स इज इक्वल टू 6 + 7, सो एक्स इज इक्वल टू 13। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि आपके पास जो एक कॉम्प्लिकेटेड, एक लेंथी प्रॉब्लम है, उसको किस तरीके से हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और उस फॉर्म को, उस एक्सप्रेशन को, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मेजर बेनिफिट ऑफ अलजब्रा, कि अलजब्रा नहायत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, फिर उस सिंपलेस्ट फॉर्म को हम सॉल्व करते हैं और इसकी मदद से हम रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं।